दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दुनिया के 5 सबसे बड़े सांपों के बारे में, जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी तो जरूर होगी, क्योंकि अभी तक आपने इन सांपों को बस हॉलीवुड की मूवीज में ही देखा होगा। लेकिन जब हम आपको इन सांपों से आज रूबरू करवाएंगे तो आपका सर चकरा जाएगा और एक बार तो आप भी बोल पड़ेंगे कि यार क्या वाकई में इतने बड़े सांप होते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं। 33 फीट लंबा एनाकोंडा। ये एनाकोंडा अब तक दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े एनाकोंडा में से एक था। इस एनाकोंडा को ब्राजील की एक कंस्ट्रक्शन साइट के दौरान देखा गया। जब वहाँ खड़ी इमारत को गिराया गया तो वहाँ गिरा मलबा अपने आप हिलने लगा। जब मजदूर आगे बढ़े और उन्होंने देखा तो उन्हें एक बड़ा एनाकोंडा दिखाई दिया, जिसे देखते ही वो तुरंत भागने लगे। वही कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद इंजीनियरों ने बड़ी सूझबूझ के साथ सांप की पूंछ को बांधकर एक 3 मंजिला क्रेन से उठा लिया, लेकिन सांप काफी लंबा था, जिसकी वजह से सांप का मुंह अभी भी जमीन पर लग रहा था। मैं आपको बता दें कि सांप की लंबाई करीब 33 फीट की थी और इसका वजन लगभग 420 किलो का था। लेकिन ये सांप मलबा गिरने और उसके बाद क्रेन से उठाए जाने के बाद जिंदा नहीं बच सका। ब्राजील रिवर एनाकोंडा। ब्राजील की नदी में जब कुछ लोग घूमने निकले तब उनका सामना एक बेहद ही बड़े विशालकाय एनाकोंडा से हुआ, जो उनकी नौका के आसपास घूम रहा था। इस एनाकोंडा का पेट फूला हुआ था, जिसे देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि इसने हाल ही में किसी बड़े जानवर को अपना शिकार बनाया है। मैं आपको बता दूं कि उस नौका में उपस्थित लोगों ने इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथ ये नहीं लग सका। कांगो स्नेक। साल 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम के फाइटर हेलीकॉप्टर के एक पायलट ने मिशन से वापस आते समय अफ्रीका के कांगो देश के जंगल में एक रेंगता हुआ बहुत ही बड़ा जीव देखा। जब तक वे इस जीव को पूरी तरीके से देख पाते, उनका हेलीकॉप्टर आगे निकल चुका था। उन्होंने इस जीव को पूरी तरीके से देखने के लिए पायलट ने अपना हेलीकॉप्टर वापस घुमाया तो उन्होंने देखा कि यह जीव असल में एक बेहद ही बड़ा सांप था। ऊंचाई से उनको यह सांप अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा था, इसलिए वो सांप के करीब जाने का प्रयास कर रहे थे तो सांप ने उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। पायलट का दावा था कि अगर वे उस समय उस जगह से नहीं भागते तो ये सांप उनके हेलीकॉप्टर को भी निकल सकता था। मैं आपको बता दूं कि पायलट के अनुसार बताया जा रहा था कि इस सांप की लंबाई करीब 100 फीट की थी। दुनिया का सबसे लंबा पाइथन। दुनिया का सबसे लंबा पाइथन 2016 में मलेशिया की एक कंस्ट्रक्शन साइट में पकड़ा गया, जिसकी लंबाई 26 फीट की थी। लेकिन इसके 3 दिन बाद अंडे देने के दौरान इस सांप की मौत हो गई। मलेशिया में पाया गया यह सांप एक ट्रक से भी बड़ा था, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। और ऐसा माना जाता है कि इतना लंबा सांप एक बार में 75 अंडे दे सकता है। मेडूसा। 12 अक्टूबर 2011 को कंसास सिटी में यह पाइथन खोजा गया था। यह सांप करीब 25 फीट लंबा था और उस समय इसे दुनिया का सबसे लंबा सांप समझा जाता था। इस सांप की उम्र 100 साल की थी और इसे उठाने के लिए करीब 15 आदमियों का सहारा लेना पड़ता था। इस सांप के पकड़े जाने के बाद इसे फुल मून प्रोडक्शन नामक कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया और इस सांप को मेडूसा नाम दिया, जिसे खाने के लिए खरगोश और हिरण जैसे जानवर दिए जाते थे। दोस्तों आज की हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लगे इस बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी रोचक वीडियो लेके आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।